लिया की फैमिली सदीक पार्ट। एग्जिट हो रहा होगा ये देखें। लिखाओ बताओ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल खैर आफियत से होगी। आज आप लोग सोचे मैं किस जगह पे आई हूँ। आज मैं आई हुई हूँ जिलैया की फेमस पार्क सिद्दीक पार्क में आई हुई हूँ। आज हम इसलिए पार्क में आए हुए हैं क्योंकि हम ईद पे नहीं आए थे, तो आज मम्मा सीधा मुझे अकेडमी से ना इधर पार्क में ले आई हैं, क्योंकि आज का जो मौसम है इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत है। हमारा लिया खुद इतना खूबसूरत है और ऊपर से मौसम जो है आज ऑसम आउट क्लास लेवल का बना हुआ है। तो आज हम जी आए हुए हैं सिद्दीक पार्क में। ये देखें, इस पार्क की तहरीक के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये बनी कब थी। ये पार्क जब मैं छोटी सी थी, मीन 4-5 क्लास में थी, ये तब की है, मीन सदियों पुरानी पार्क नहीं है। ये जो है ना रिसेंटली अब जो है ये पार्क बनी है और सनी की आप खुशी देख सकते हैं। सनी हाथ पकड़ो, मम्मा का रश है। सनी उधर जा रहे हो, अकेले नहीं जाना, अकेले नहीं जाना, अकेले अकेले भागो भागो। देखिए जी, इधर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, एंजॉय करते हैं। अब तो पार्क में बहुत बहुत हाई लेवल की जो है वो तब्दीलियां हुई हैं, वरना सोच भी नहीं सकता कि ये हमारी पार्क है लिया की पार्क, मतलब बहुत ज़्यादा तब्दील हुई है। नए झूले आए हैं और उसके अलावा नए पेंट वगैरह हुए हैं, नए पौधे लगे हैं, ग्रास वगैरह। अब काफ़ी तवज्जो दी जाती है ना इन कामों पर। ये देखें, ये देखें, ये देखें हमारे लिया की खूबसूरती देखें। आप लाहौर, मुल्तान एंड बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाएं ना तो पार्क में ऐसा लगता है जैसे रश हो, कोई सेल मेला लगा और लोग सेल पे कोई चीज़ खरीदने आई हो। लेकिन हमारे जो शहर है, हमारा जो सिटी है, यहाँ पे सुकून होता है, बिल्कुल सुकून होता है। आप फ्री हो के इंजॉय करते हो, रश वगैरह की कोई बात नहीं होती, मज़ा आता है। मुझे तो मेरी पार्क बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बंदा ने फ्रेश होना ना तो पार्क आए बस। ये देखेंगे बच्चों के लिए ट्रेन चल रही है, अब भी सनी ने देखनी है ना ट्रेन, सनी ने पागल हो जाना देख के। और देखिए वो हो गया पागल जी। ओ वाह, ये इसका पागल बन। देखिए इधर देखिए, भाई ने आइसक्रीम मतलब सेल करते हैं, यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है और बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं इधर। ये देखे जी, बच्चे उड़ रहे हैं हवा में। और इसको देखें, ये अभी छोटा है ना तो ये अकेला नहीं बैठ सकता इस जगह पे। मुझे बच्चों की ना चेहरे पे जो खुशी है वो देख के पता चल रहा है कि ये काफी मजे की राइड है। और ये पागल हो गया उनको देख के, ये शायद बच्चों के फादर हैं, वो भी देख के खुश हो रहे हैं। आज आप मौसम देख के बहुत प्यारे, क्योंकि फिलहाल ऐसे कहा है कि 2-3 दिन तक जो है ना वो मौसम ऐसा ही रहेगा खूबसूरत सा। आगे भी बहुत ज्यादा झूले हैं, मजीद झूलों की तरफ बढ़ते हैं और आपको एक एक करके मैं सारे झूले दिखाती हूँ। ये देखेंगे ट्रेन जो है वो तैयार है, इस पे सवारियां शवारियां बैठ चुकी हैं, टिकटें शिकटें कटा ली हुई हैं इन्होंने। और मैं भी जो हूँ ना यहीं इसी ट्रेन पे टिकटें कटा रही हूँ और आप लोगों के पास आ रही हूँ। यदि आप लोगों ने नहीं दी ना तो मैं लेने आ रही हूँ आप लोगों से। ये देखें, ये वो वाली ट्रेन है जो है ना पूरी पार्क का आपको विजिट करवाती है और मैं और सनी ना इसी ट्रेन पर बैठ रहे हैं। व्यूअर्स देखे, मैं ट्रेन पे बैठ चुकी हूँ और देखे डिफरेंट फैमिलीज, मतलब बहुत ज़्यादा फैमिलीज आई हैं क्योंकि मौसम काफ़ी प्यारा है। तो ये प्यारा भी आया हुआ है, इसका तो हर वक्त बस ये बूथा सूजा हुआ होता है, पता नहीं क्यों सूजा हुआ होता है, इसको पता नहीं किस चीज़ का गम है। बट अब जो है ना मैं ट्रेन पर बैठ चुकी हूँ, अब ये मतलब इंतज़ार अब ये हो रहा है कि जैसे ही मतलब पूरी ये ट्रेन भरेगी तभी हम जो है ना पार्क का इधर विजिट करेंगे और साथ में मैं आपको पूरी की पूरी पार्क घुमाऊँगी।
देखें व्यूवर्स, आहिस्ता आहिस्ता से सवारियां जो हैं वो फुल हो रही हैं और बच्चे जो हैं वो बैठना स्टार्ट हो चुके हैं। इस भाईजान को बच्चा बनने का कोई शौक नहीं है, इसमें तो कोई फीलिंग ही नहीं है, ये तो बगैर फीलिंग वाला बच्चा है। मैं जब भी पार्क आऊँ ना तो मेरे अंदर बच्चों वाली फीलिंग आ जाती है, मैं बच्ची बन जाती हूँ, मैं नहीं देखती मैं बड़ी हूँ। मैंने झूले भी लेने होते हैं, मैंने खाना भी होता है, सब कुछ बच्चों की तरह करना होता है। अगर आप मुझे कहें ना मैं इस जगह पे जंपिंग करूँ तो मैं इस जगह पे जंपिंग भी कर सकती हूँ, बट नहीं करती। जी अब ट्रेन चल रही है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं। ओ ट्रेन चल गई, मम्मा खड़ी है, मम्मा हम तो जा रहे हैं, मम्मा यहीं पे खड़ी है, बस खड़े रहने दो। ये देखें अब जो है ना आपको पूरी जो पार्क है ना वो विजिट हो रहा होगा। ये देखें इसको। चले अब आपकी बहन यहाँ से ऐसे ही सीधा जंप मारेगी। ये देखिए उन्होंने टिकट के पैसे भी साथ रखे हुए हैं और उन्होंने कहा है फैमिली अपने बच्चों का भी खास ख्याल रखा करें, तो हमने इस बच्चे का भी खास ख्याल रखा हुआ है। ये देखिए इस बच्चे को देख लें आप, ये देखें अब जो है ना सनी इधर बैठा हुआ है। सनी 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 इसको बैठा देखे शर्मीले को GINGO सन्नी सन्नी इसको शर्म आई है, पता नहीं किस चीज से सहमा बैठा है, खुश हो जा रहा है। वो आ गया फिर से सन्नी ये वाली जंपिंग वाली जो राइड है ये बड़ों के लिए है, मींस जो बड़े बच्चे हैं यानी 3-4 की क्लास के बच्चे जितने होंगे। और ये देखें मेरे भाई सनी जितनी जैसे बच्चे हैं ना ये उस जितनी राइड है। आप देखें सनी जा रहा है उधर, सनी को मम्मा अंदर भेज रही है। भाई बेटा आराम से, ये छोटा बच्चा है। बच्चे आराम से इधर आना, मेरी बात सुनो, इधर आओ, ये छोटा भाई आ रहा है, इसका ख्याल रखना, आराम से करना, ठीक है? ठीक है आराम से, आप बड़े हो या छोटा इसका ख्याल रखना। अल्ली इसको धक्का दे पीछे से, ऐसे करके देना इसको, ये अंदर जाके लगेगा। और देखे अल्ली तू ना कर, छोड़ दे ओ गया।
आज ये पहली बार इस राइड पे जा रहा है। मम्मा इसको नहीं जाने देती अकेला, क्योंकि इसको ये अभी बहुत छोटा भी, इसको बैठना भी नहीं आता। अब देखिए वो खुश हो रहा है, उसको जी जी साल में रखे चाहे कूड़ेदान में फेंक दे वो खुश है। अब देखिए ये देखिए बादल बहुत ज्यादा गहरे आ गए और ऐसा लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे बारिश आ रही है। और मैं अब आपको बाकी बच्चे दिखाऊंगा जोन जोन सी राइड ले रहे होंगे। व्यूअर्स देखें इस राइड पे जो है ना, वो फादर एंड डॉटर इकट्ठे एंजॉय कर रहे हैं, ये देखें। और इस राइड पे देखें ये बच्चे माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को कोई ठिकाना नहीं होता, जिस राइड पे देखेंगे ना बच्चे ज्यादा है वो उसी राइड को भागेंगे, अदरवाइज जो खाली होगी उस पे नहीं जाएंगे, है ना। जो ज्यादा भरी होगी उसी पे जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जिस मतलब लड्डू पे मक्खियां ज्यादा होती है बाकी भी उसी पे अट्रैक्ट होती हैं। सो ये देखें ये बच्चे यहाँ पे अपने हिसाब से जो है वो राइड्स ले रहे हैं। अब भाई तुझसे चढ़ा जाएगा हैं, अपने वजन के मुताबिक काम किया करो। ये देखो वो, मैंने कहा था ना जिस पे ज्यादा होंगे ना ये उसी पे जाएंगे। अब देखिए ये यहाँ पे लड़ रहे हैं बैठ के। इधर जो है भाई ने गोलगप्पे भी साथ लगाए हुए हैं और इधर देखें आइसक्रीम भी साथ में है। और यहाँ से मैं आपको देखें, मैं आपको दिखाती हूँ पार्क का फुल व्यू। व्यूवर्स ये देखिए ये लिया के मुझे एक और कंटेंट क्रिएटर मिल गया है, इनका एक चैनल है शेख ग्रुप। हाँ जी वो आपको शेख ग्रुप, हमें लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। मतलब इनका जो कंटेंट है वो फनी वीडियो के लिहाज से, जब भी हंसने का दिल करे तो प्लीज आप इनके चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। चले अब जो है ना मैं आपको और बच्चे शच्चे दिखाती हूँ, बच्चे शच्चे खेल रहे हैं। ये देखें इधर देखो वो रोए जा रहा है। ओ क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। वो अपनी मम्मा के पास जाता है और इसको देखे राइड लेता। आप गिर गए तो पक्की बात है, गारंटी है। वो तो इतना रोए जा रहा है। और आप इन बच्चियों को देखिए, ये देखिए खड़े होके झूला खा रही हैं। वैसे कितना डेंजरस काम ये कर रही है, मुझसे आज तक जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं हुआ ऐसे खड़े के झूला खाने वाला ना। बड़ी हिम्मत वाला काम कर रही है ये बच्चियाँ। ये देखिए छोटी खड़ी हुई है, ये देख रही है, अभी ये सोच रही है मैं किसकी तरफ बढ़ूँ, किस झूले की तरफ मैं बढ़ूँ। व्यूअर्स देखिए वह छोटे भाई की खातिर क्या मुशक्कतें कर रहा है। ओ बाजी व्यूअर्स देखिए अब जो है ना मैं इस राइड पे बैठ रही हूँ, इस छोटी मोटी छोटी छोटो सी ट्रेन पे बैठ रही हूँ, मैं ड्राइवर सीट पे बैठी हूँ। चली भी गई है, एक झटका लगा है इसको। ये देखिए अलीगढ़ से भी बैठे हुए और इधर से मैं बैठी हुई हूँ। ये जो हम है ना, हम बच्चे हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पार्क आके ना बंदे को बच्चा बनना चाहिए, बड़ा रह के करना भी क्या है, मैं मुंह बना के बंदा फिरता रहे। पार्क में आके ना मैं बच्ची बन जाती। चले जी अब जो है ना हमारी टिकट खत्म हो चुकी है, आप नीचे उतरते हैं तो उतरना भी यार। व्यूअर्स देखें अब जो है ना हम पार्क के एंड पे आए हुए हैं और ये देखें आप यहाँ से नेचर का सीन चेक करें। पार्क जो है ना वो फुल खचा खच भरी हुई है। इस छोटे बेबी को देखें माशाल्लाह से, अभी अभी देखें चलने लगा है, वो बात नहीं मानता किसी की हमारे सनी की तरह, वो भी ऐसे ही करता है। ये देखें मैंने आपको बस ये सीन दिखाना था, ये वाला खूबसूरत। अब देखें जी अब चलते हैं हम इधर 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 पूल की तरफ चलते हैं, मैं आपको ये पूल दिखाती हूँ। ये देखे अभी जो है ना पानी शानी नहीं भरा हुआ इसमें, बट ये जो है ना बना हुआ है, जब से बना है एक दफा पानी नहीं भरा वो बना हुआ है, पानी अभी तक नहीं भरा जब से भी ये बना हुआ है। चले अब जी इस जगह से होते हुए अब हम जा रहे हैं जी इस साइड को पार्क की। ये देखे ये वाला झूला देखे, ये कोई हॉरर झूला है, कैसे मतलब ये हुआ जा रहा है। और ये इधर देखे कश्ती वाला झूला भी आया हुआ है। अब चलते हैं यहाँ और देखते हैं हमारे बस की बात है कि नहीं, वरना मैं तो पागल हो जानी हूँ इस झूले में, ऐसे झूले में। फिर देखिए बच्चों का हजूम जो है ना वो यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। ये देखिए काफी ज्यादा बच्चों का हजूम है,
अब देखते हैं मेरी जगह होती है कि नहीं। बैठते हैं यहाँ पे। ये देखें व्यूअर्स, देखें अब मैं इस कश्ती वाले बड़े झूले में जो बैठ चुकी हूँ। अब देखते हैं कि ये झूला चलता है कैसे। मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अभी ये छोटा सा है लेकिन और सिटीज में तो बड़े बड़े से आते हैं। देखो ये सारे छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथ बैठ चुके हैं। खुशी हो रही है, इधर बैठ के डर लग रहा है। क्या लग रहा है, है? बोलते ही नहीं है कुछ। सनी, सनी आता है? सनी आते हो? सनी मुझे हैरानी से देख रहा है, ये किधर गई बैठी है। चलो व्यूअर्स, अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के झूला हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ओहो, अरे ओए, फर्स्ट टाइम ऐसे बैठी हुई थी। ओ ऐसे ऊपर ऐसे हवाओं में उड़ रही हो। इन बच्चों के एक्सप्रेशन देखें आप। अभी ये बड़े सिटी का झूला लिया, वरना वहाँ पे तो बहुत और भी ज्यादा मजा आता है सबके साथ बैठ के ना। उनकी हंसी नहीं रुक रही। ये देखें, ओहो हवा में मैं उड़ रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जैसा चक्कर ही आए जा रहे हैं, इनकी हंसी नहीं रुक रही मेरे साथ वाले बच्चों की। अच्छा मुझे नहीं पता चल रहा कि पीछे कैसा व्यू आ रहा है, शायद पार्क का व्यू आ रहा है, शायद नहीं आ रहा। मेरे पेट में खुदकुदी हो जा रही है, डर नहीं लग रहा बट पेट में गुदगुदी हो जा रही है, हंसी आ जा रही है मुझे भी। अच्छा अब पता नहीं कैसा पार्क का पीछे भी वो आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि अच्छा आ रहा होगा। ओ और इधर देखिए, इधर जो है ना ये बाजियां ये वाला झूला खा रही हैं। इस झूले में बैठना ना मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं जाऊँ ना इसी झूले में बैठी हूँ। ओ अरे भाई लोग पिताओ इतने झूले देते हैं। जैसे ही हवा चलती है ये बच्ची ऊपर उड़ती है। ये देखिए यहाँ से जा रहे हैं, इनकी गुदगुदी आ रही है वहाँ पे पेट में। इनकी गुदगुदी आवाज जा रही है। अब जो है ना स्लोली स्लोली झूला रुक रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं पता नहीं क्या। ये जो है ना ये उतार रहे हैं, जो है ना हम जेल से आजाद हो गए। मुझे तो चक्कर शरीफ आ रहे हैं। ओए 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 ओए, मेरी दुनिया घूम रही है या पता नहीं दुनिया घूम रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये देखें ये वाला था वो झूला जिसपे मैं बैठी हूँ अभी। व्यूअर्स अब यहाँ से देखिए ये झूला ऐसे चलता है, और कोई इतने चक्कर आते हैं ना, बस मैं अभी तक नहीं सेट हो रही। व्यूअर देखिए अब शाम का व्यू देखिए पार्क में, परिंदे जो है जैसे ही मतलब मगरिब का टाइम होने लगा है, सूरज गरूब होने लगा है, सो परिंदे जो है ना वो मतलब अपने अपने घरों को जा रहे हैं। और हमारा एक ये परिंदा देखिए, सन्नी इधर देखो, हाँ हाय करो गाइस को, है ना। हम इधर आके बैठ चुके हैं, हमने कहा थोड़ा सा इतना चल फिर रहे झूले छूले खा रहे हैं, थोड़ा सा जो है ना वो रेस्ट कर लेते हैं, बैठने वाला रेस्ट। और अब जो है ना बैठ के हम जो मतलब सांस सांस ले रहे हैं, उसके बाद जो है फिर आगे का देखेंगे कि हमने करना क्या है। व्यूअर्स देखिए ये ट्रेन जो है वो गुजर रही है, पूरा दिन ये बच्चों को झूले खिला दिया और ये इधर से बैठ के चीखे मार रहा है। ये देखें अब ये उसको शूज पहना रहा है। सो व्यूअर्स अब जो टाइम हो चुका है हमारे वापसी का, जाने का हो चुका है। जैसे देखिए परिंदे वापिस अपने घरों को जा रहे हैं, मगरिब का टाइम हो चुका है। और इसके अलावा जो है ना मैं आपको क्या कह रही थी, मुझे बात भूल गई है। हाँ कुछ फैमिलीज आ रही हैं, कुछ फैमिलीज जा रही हैं, बट अब जो हम जो है ना वो जा रही हैं, क्योंकि कल भी इसी टाइम जो है बारिश आ गई थी और सारा प्लान कल वाला भी हमारा चौपट चौपट हो चुका था, पोपट हो चुका था। फिर आज जो है ना हमारा पोपट ना हो तो हम जो है ना आज पहले ही जा रहे हैं। देखिए यहाँ से लग रहा है जैसे बारिश आएगी।
सो अब जो है ना हम चलते हैं। व्यूवर्स देखिए इस साइड को जो काले काले बादल हैं वो आए जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है फैलते जा रहे हैं एंड बारिश वाला मौसम जो है बनता जा रहा है। बस मैं कह रही हूँ जल्दी से यहाँ से रफू चक्कर होते हैं। जाते जाते जो है ना इसको इस झूले का शौक हो गया है और ये फर्स्ट टाइम जो है ना इस पे बैठा हुआ है। इसकी स्माइल चेक करें आप, शर्माने वाली हैं। चलें आप जो है ना ये इस पे जो है झूले झूले झूल रहा है। व्यूवर्स यहाँ पे ना आप मोटरसाइकिल की कतारें देख के आपको पता चल रहा होगा कि पार्क में जो है ना बहुत ही ज्यादा रश है। देखिए इतनी ज्यादा कतारें जो है वो लगी हुई है पार्क में एंड अब जो है ना हम यहाँ से चल रहे हैं सीधा बाहर। जी अब हम आ चुके हैं पार्क से बाहर। मैं आपको यहाँ से भी दिखा दूँ, ये है जी लैया की फैमिली सदीक पार्क। व्यूअर्स यहाँ से आप रेड व्यू देखें और ये जो है ना हमारे लैया का बिगेस्ट पिज्ज़ा हाउस जिसे आप बोल सकते हैं अलकैफ है और ये साथ में जो है वो शॉप्स बनी हुई हैं लाहौरी फूड पॉइंट एंड बहुत सारी जो है वो शॉप्स बनी हुई हैं। फिलहाल मैं जो रोड क्रॉस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा जो है वो शॉप्स बनी हुई है तादाद में मतलब पिज़्ज़ा मतलब इस पे ना जो है वो पिज़्ज़ा है और बाकी जो शॉप्स हैं उन पे है शवारमा बर्गर जिंगर एंड छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। चलें अब जो है ना हम पहुंचे हैं लाहौरी फूड पॉइंट पे। ये जो है ना लैया का बिगेस्ट यूनिट है और आपको रश भी जो है ना यहीं से काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा क्योंकि इनके कारीगर जो हैं वो बहुत ज़्यादा माहिर हैं एंड ये वाली जो शॉप है ना ये पार्क के बिल्कुल साथ है और मतलब शवारमा और बर्गर के लिए ना काफ़ी इनका फ्लेवर जो है ना लैया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये देखिए ये लाइव ही जो है ना वो बर्गर बना रहे हैं, उधर तैयार हो चुके हैं और ये बना रहे हैं अभी। यहाँ देख के चलते हैं और हम जो है ना अपना ऑर्डर देते हैं, अभी भूख जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो रही। ये देखें जी इनका फ्लेवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो लैया में पसंद किया जाता है। तो अब पहले जो है ना इनकी शॉप यानी रेनोवेट वगैरह कुछ भी नहीं थी, अब जो है ना इन्होंने सीलिंग वगैरह भी करवाई है या वॉलपेपर सब कुछ जो है ना अली रेट लिस्ट पर रहा है। और ये देखेंगे इन्होंने शॉप जो है ना अब अंदर से अपनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रखी है। तो ये देखेंगे इनकी रेट लिस्ट लगी हुई है। मुझे ज़्यादा शवारमा पसंद है तो मैं ले रही हूँ शवारमा। माशाल्लाह से व्यूअर्स देखिए हमारे जो शवारमे हैं वो आ चुके हैं। अब जो है ना मैं इनको खोलती हूँ और खोल छोल के इनको अनबॉक्स करें आप। ये देखें अली खाओ बताओ। मजे का है, टेन आउट ऑफ मतलब कितने दोगे रैंकिंग में? सेवन। चले जी अब मैं भी खाती हूँ शवारमा। मम्मा ने जो है मम्मा ने भी खाना स्टार्ट कर दिया है, मेरी देर हो रही है फिर ये मुझे डांटते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा लेट कर देती हो। सो बस जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद आप लोगों से मुलाकात करते हैं। सो जी शवारमा खा के जो है ना बहुत ही मज़ा आ गया। मैं तो इनको रैंकिंग में से 9 out of 10 दूँगी, बहुत मज़े का इनका फ्लेवर था। और उसके अलावा यही करके अपने इस मज़ेदार ब्लॉग को एंड और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा एंड ज़रूर मज़े के कमेंट्स भी कीजिएगा। तो मिलेंगे कल एक नई मज़ेदार ब्लॉग वीडियो के अंदर। सो अल्लाह।